हेमवती नंदन बहुगुणा डिग्री कॉलेज खटीमा में अपनी 5 सूत्रीय मांगों को लेकर पिछले 16 अगस्त से आमरण अनशन पर बैठे छात्रों का धरना जारी है। इससे पहले पुलिस प्रशासन ने कुछ छात्रों को आमरण अनशन से उठाकर अस्पताल में भर्ती करवाया था, लेकिन उसके बाद कुछ और छात्र आमरण अनशन पर बैठे। पांच सूत्रीय मांगों को लेकर ये छात्र आमरण अनशन पर बैठे हैं। बीते 16 अगस्त से इनका धरना यूं ही चल रहा है। चारधाम यात्रा बंद है, ऐसे में सैलानी उन ट्रैकिंग रूट्स का दीदार कर रहे हैं जहां अमूमन आवाजाही कम ही होती है। रुद्रप्रयाग में भी ऐसे ही कुछ मखमली बुग्याल हैं जो दुनिया की आंखों से उजल थे, लेकिन अब उन्हें पहचान मिल रही है। प्रकृति प्रेमी इन दिनों त्रियुगी नारायण, पवाली कांठा, चैमासी, मणमाई, केदारनाथ समेत दूसरे ट्रैकिंग रूट्स का भ्रमण कर रहे हैं। मनमड़ामाई तीर्थ मधमहेश्वर घाटी के रांसी गांव से 38 किलोमीटर दूर है। मनमड़ामाई को भेड़ पालकों की आराध्य देवी माना जाता है। मधमहेश्वर घाटी के रांसी गांव से लगभग 38 किलोमीटर दूरी पर है तथा सुरम्य मखमली बुग्यालों के बीच में मध्य विराजमान है। वहां पहुंचने के लिए जो पैदल ट्रैक है वो बहुत ही विकट है। यदि केदारनाथ वन्यजीव प्रभाग की पहल पर प्रदेश सरकार द्वारा उस पैदल ट्रैक को विकसित करने की कवायद की जाती है तो स्थानीय पर्यटन व्यवसाय को में इजाफा होने के साथ साथ मनमड़ामाई तीर्थ विश्व पटल पर एक अच्छी पहचान बना सकता है, जिससे कि स्थानीय पर्यटन और तीर्थाटन व्यवसाय में काफी इजाफा हो सकता है। युवाओं को रोजगार देने के लिए अल्मोड़ा में 78 ग्राम पंचायतों का चयन किया गया है। ये वो ग्राम पंचायतें हैं जिनमें जनगणना के बाद संख्या 50% रह गई है। अब 7 ग्राम सभा के लिए 16 राजस्व गांव के लिए 2,67,00,000 रुपए की मंजूरी दी गई है। युवाओं को रोजगार देने के लिए सीएम रोजगार योजना के तहत हर ग्राम सभा को 35,00,000 रुपए का बजट दिया जा रहा है। लगभग 78 राजस्व ग्राम है जो चिन्हित किए गए हैं पलायन की दृष्टि से, जो बहुत संवेदनशील है, जहाँ पे कि 50% से अधिक जनसंख्या जो है वो पिछले 2 जनगणना में कम हुई है। इसके लिए शासन द्वारा जो विशेष मुख्यमंत्री पलायन रोकथाम योजना चलाई जा रही है, इसमें हमें इस वर्ष के लिए हमें लगभग 7 जो ग्राम सभाओं के 16 राजस्व ग्रामों के लिए लगभग 3.25 करोड़ की धनराशि प्राप्त हो चुकी है। और इसमें जो प्रमुख है कि जिन कारणों से पलायन हुआ है, वो हो सकता है कि वहाँ पे कोई सिंचाई की समस्या हो, या वहाँ पे जो है जंगली जानवरों की वजह से जो खेती बाड़ी नहीं हो पा रही है, या अन्य कोई इस तरह के आजीविका की समस्याएं हैं, इनको आइडेंटिफाई किया गया है।